morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Today we are going to discuss about the chapter magnetism. Last class we have discussed in this chapter how a current loop acts as a magnetic dipole and dipole moment of a revolving electron. Today we are going to discuss about some of the definitions connected with the मैग्नेटिज्म. सम ऑफ द डेफिनेशन, देयर आर सम डेफिनेशन जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, उनके बारे में हम छोटे छोटे डिस्कशन करेंगे. वाह, चलो पहले शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से. ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे कि मैंने समझाया था कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में मतलब फील्ड लाइन्स क्रॉस करते हैं. फील्ड लाइन्स क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं किसको? ना क्रॉस सेक्शनल एरिया को. ऐसे फील्ड लाइन्स जा रहे थे, ये फील्ड लाइन्स और यहाँ पे कोई एरिया था, और जितना फील्ड लाइन्स मेरा क्रॉस किया, उस एरिया को, That is the amount of magnetic flux. एक एग्जाम्पल तुमको मैं दिखाता हूं. देखो, ये मान के चलो कि कोई डिस्क है, ये सरफेस एरिया है, यहां से जाके मेरा पानी टकराएगा, स्प्रे करता हूं, पानी जाके टकराएगा, वही वाला एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूं, पानी जाके टकराएगा, यहां पे मैं बॉकेट से कलेक्ट करूंगा. आया समझ में? तो यहां से ऐसे टकराया, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या है? सरफेस एरिया. जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां पे कलेक्ट होगा. और इसको मैं ऐसे घुमा दूं, तो क्या होगा? पानी जो ऊपर कुछ चला जाएगा, कुछ नीचे आएगा, नीचे लगेगा, कलेक्ट होगा. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम फाई के साथ एक्सप्रेस करते हैं. वो किसके बराबर है? बी ए कॉस थीटा के बराबर. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ. आया समझ में? अरे हाँ या ना, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ. मान के चलो ये मेरा सरफेस है, ये उसका एरिया वेक्टर है. तो एरिया वेक्टर, सोच जरा, दो चीज तू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ये एरिया वेक्टर है, अच्छा, ये थीटा को मान लेंगे तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल लिया है, ये एरिया वेक्टर है, और ऐसे लाइन आ रहा है, ऐसे अंदर से आ रहा है. तो ये दोनों सेम एंगल पे है. थीटा इक्वल टू क्या बन गया? जीरो बन गया. किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ. सरफेस के साथ एंगल किया, सरफेस के साथ एंगल 90. दिक्कत वाली बात इसमें ये है कि तुमको चूज करना पड़ेगा तुम थीटा क्या ले रहे हो. अगर थीटा को एरिया के हिसाब से एंगल लो तो यहां से थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब तुम्हारा क्या हो गया? थीटा इक्वल टू क्या आ गया? कि मेरा आ गया जीरो डिग्री आ गया. तो जीरो डिग्री आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा हाईएस्ट आ गया. तो ये वाला फाई बी ए कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं बी डॉट ए. कहीं पे भी फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी ए बी लिखा होता है, इसका यूनिट क्या है एसआई पे? इसका यूनिट है वेबर, और सीजीएस में इसका यूनिट है मैक्सवेल. तो वन वेबर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डी का टेस्ला, वन टेस्ला इंटू वन मीटर स्क्वायर. वन वेबर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? वन टेस्ला इंटू वन मीटर स्क्वायर. वन वेबर इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? वन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. जब इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं, क्या लिखता हूं? वन मैक्सवेल इक्वल टू टेस्ला का वैल्यू गॉस सीजीएस में यहां पे वन सेंटीमीटर का स्क्वायर. अगर इसको मैं वन मैक्सवेल देखो इधर यहां पे निकालता हूं, वन वेबर इक्वल टू वन टेस्ला, इक्वल टू 10^4 गॉस, वन मीटर इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो ये वाला क्या हो जाएगा ना? 10^4 ये आ गया 10^4 गॉस इंटू सीएम का स्क्वायर.
तो 10 टू दी पावर 8 गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल, तो मेरा क्या आएगा ना 1 वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू क्या आएगा 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 वेबर इक्वल टू क्या आएगा 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल, दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ये बोलता है कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली बोल रहा है ये जो थीटा बनेगा, ये थीटा मेरा 0 डिग्री बनेगा। मतलब क्या होता है, थीटा एंगल बिटवीन, सोच जरा, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा हुआ तो 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि नहीं। मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था फाइ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मेरा फॉर्मूला क्या था फाइ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा 0 हुआ तो बी ए हो गया, फाइ इक्वल टू बी ए आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हुआ ना बी इक्वल टू फाइ बाई ए। इसी बी को मैग्नेटिक फील्ड भी हम बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे। ये बी ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं बी ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं आ रहे, हाँ या ना। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे तो साइन 90 भी 1 हो जाएगा, ये भी लिख सकता हूं। मगर ये जो 90 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड बी वेक्टर, सरफेस एरिया एंड बी वेक्टर में एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा आना चाहिए। एक ही बात है, तुम एरिया वेक्टर के साथ कंसीडर करो एंगल या फिर सरफेस के साथ कंसीडर करो, एरिया के साथ कंसीडर करोगे तो कॉस थीटा लिखोगे, सरफेस के साथ कंसीडर करोगे तो बी ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखोगे। आया समझ में? देख, सपोज ये मेरा एरिया हुआ, अगर ये मेरा सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे जा रहा था, सरफेस ये हो गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के साथ थीटा किया तो सरफेस के साथ क्या करेगा 90 माइनस थीटा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यही मेरा होता है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया, क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था। अब आ रहा है कुछ नया चीज, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या आ रहा है मेरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, पहले एक छोटा छोटा चीज देखो। एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म के अंदर एक आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है एक मैग्नेटिक फील्ड जो एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगा। मतलब मान के चल के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे कोई लेके मैं कोई सब्सटेंस मैंने रख लिया, आयरन रख लिया, मान के चल कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे मैंने जाके आयरन रख लिया, तो ये आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा। आयरन में क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा। जब आयरन पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा उसी को हम बोलेंगे, किसने डेवलप किया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने।
That means that magnetic field magnetizes the substance. Magnetizes का मतलब क्या है? Magnetic property को develop किया. The field which magnetizes the substance is known as magnetizing field. The magnetic field which magnetizes the substance is called magnetizing field. आया समझ में? ये था magnetizing field. अब इसको इसने कितना मैग्नेटाइज किया है, कितना मैग्नेटाइज किया है, कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पे उस सब्सटेंस पे डेवलप हुआ है, दैट मच अमाउंट ऑफ डिग्री और द एक्सटेंट टू व्हिच ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, टू व्हिच ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? दो डेफिनेशन इसके पास है. अगर हम एक प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो मैं ये बोल रहा हूं डिग्री और द एक्सटेंट, डिग्री और द एक्सटेंट, डिग्री और द एक्सटेंट टू व्हिच ए सब्सटेंस, टू व्हिच ए सब्सटेंस can be magnetized, to which a substance can be magnetized when placed in the magnetizing field. और कहीं पे नहीं, पानी पे नहीं, magnetizing field पे place होने पे ये अपने एक substance पे कितना magnetize कर सकता है उसको, कौन? magnetizing field. magnetizing field एक substance को कितना magnetize कर सकता है उसी को हम बोलते हैं intensity of magnetization. उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई पे रिप्रेजेंट करते हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप होता है वो सब्सटेंस पे, उसमें पोल्स भी डेवलप होंगे, डाइपोल मोमेंट भी डेवलप होगा. जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा वो टोटल वॉल्यूम पे डेवलप होगा. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम. पूरा डाइपोल मोमेंट कितना वॉल्यूम का डेवलप होता है वही मेरा डिसाइड करता है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ है. तो I इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? I इक्वल टू M बाई वी. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ना इसमें कोई दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला था I इक्वल टू M बाई वी, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. डाइपोल मोमेंट का यूनिट है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर इनवर्स. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या होता है, एक छोटा सा चीज मैं तुमको यहां पे बताऊंगा जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एक टोराइडल के बारे में. एक टोराइडल होता क्या है? सोलेनॉइड पता है? एक सोलेनॉइड, ये होता है सोलेनॉइड, मतलब जिसके पास सर्कुलर कॉयल्स होते हैं. सर्कुलर कॉयल्स खुद के खुद, मतलब ये एक सर्कुलर कॉयल्स है और उनके बीच में अटैच हुए हैं. टोराइडल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सोलेनॉइड अटैच हुए हैं. उस टोराइडल में अगर मैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूं, इसके लॉ के बारे में ही टोटल, ये एम्पियर सर्किटल लॉ और टोराइडल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. एक क्या होता है, अगर इसमें मुझे करंट जा रहा है
तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है ना, म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। करंट अगर मेरा आई जा रहा है तो ये होता है उसका फॉर्मूला कि म्यू नॉट एन इंटू आई। ये एन क्या होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन को हम बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर इफ द करंट आई पासेस थ्रू ए टोराइडल देन हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। अब ये जो लेंथ है ये क्या होता है, टोराइडल का लेंथ होता है, और जो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब यहां पे स्मॉल एन ऐसे हो जाएगा एन बाई एल, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोराइडल, एल इज द लेंथ ऑफ द टोराइडल। तो अगर ये होता है तो देखो यहां पे क्या और एक चीज आता है हमारा, अगर b इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई आया, क्यों ये मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं कि आगे जाके काम आएगा, आज के क्लास में आगे जाके काम आएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, तो मैं म्यू नॉट n के जगह कैपिटल n बाई एल इंटू आई लिख सकता हूं। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये मैंने क्या किया, म्यू नॉट एन ऊपर में एरिया मल्टीप्लाई किया, नीचे एरिया डिवाइड किया। तो आई इंटू एरिया मेरा क्या देगा, मुझे देगा एम कैपिटल एम, ये मुझे देगा मोमेंटम डाइपोल मोमेंट। अब एरिया इंटू लेंथ मुझे क्या देगा, वॉल्यूम देगा, लेंथ मुझे क्या देगा, वॉल्यूम देगा। एक काम करो, ये वाला जो करंट है इसको स्मॉल आई ले लो, क्योंकि हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल आई लिया है, कंफ्यूजन मत होना। कैपिटल आई को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लो, स्मॉल आई को करंट फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइडल लो, करंट फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइडल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। हुआ, ये डाइपोल मोमेंट, ये वॉल्यूम, तो म्यू नॉट एन इंटू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस मच नहीं, टोटल डाइपोल मूवमेंट एन आई ए, ये वाला हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट। मतलब एक लूप के लिए करंट इनटू एरिया हुआ मैग्नेटिक डाइपोल, उसके पास कितने लूप है, एन लूप से, उसके पास कितने सर्कल से, एन टर्न से, तो ये वाला हो जाएगा एन आई ए डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा टोटल पूरा हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज आई, that is intensity of magnetization, this much amount of magnetic field is developed inside the material, के मतलब ये टोरॉइडल में ये इतना मच का अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, H लिखा उसको, इसको हम H से एक्सप्रेस करते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। B नॉट क्या है, मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। H इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आया समझ में? तो अब ये हम लिख सकते हैं b not equal to mu not into h, ये हम लिख सकते हैं।
अब देखो H का यूनिट अगर हम लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे तो B नॉट का यूनिट क्या है, यूनिट किसका है H का, B नॉट का यूनिट क्या है टेस्ला, म्यू नॉट का क्या है टेस्ला इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स, तो टेस्ला से टेस्ला कैंसल आउट हो गया, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ H. What is the unit of H in SI system? That is ampere into meter inverse. Unit मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे यूनिट ऑन डायमेंशन का आता है. डायमेंशन चाहे तो खुद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बी का डायमेंशन, न्यू ग्रांट का डायमेंशन पुट करो, एच का डायमेंशन निकल जाएगा. आया समझ में? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ना इसमें क्या दिक्कत है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. परमियाबिलिटी का डेफिनेशन दिखते हैं क्या आप दिखेंगे नेक्स्ट को, परमियाबिलिटी का डेफिनेशन. परमियाबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, परमियाबिलिटी का डेफिनेशन से ये बोल रहा है कि इट इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बी क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं. देखो इसका बहुत सारा नेमिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो. सारे नेम एक ही है और कुछ नहीं है. तो ये जो एच क्या है मेरा ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. कंफ्यूजन मत होना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे. वाह, एच मेरा क्या होता है ना, एच का फॉर्मूला होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट. जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट. ये बात याद रखना. तो अगर म्यू इक्वल टू बी बाई एच हुआ, म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो बी के जगह मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू एच, बी के जगह मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू एच, और बी नॉट के जगह मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच. बी नॉट के जगह मतलब ये कोई मीडियम पे है और ये फ्री स्पेस में है. बी इक्वल टू म्यू एच यहां पर लिख सकता हूं, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट है, ये टोटल कोई मीडियम में होता है और ये मेरा फ्री स्पेस में होता है, और ये मेरा फ्री स्पेस में होता है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलो यहां तक लिख लो. अब ये म्यू का यूनिट कैसे पता चलोगे, म्यू का यूनिट किसका ना, म्यू का. बी का यूनिट क्या है टेस्ला, इसका यूनिट क्या है एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स. तो हमने इसका यूनिट क्या लिखा, टेस्ला, मीटर इनवर्स ऊपर चला गया तो मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स, टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना. चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो. अब रिलेटिव परमियाबिलिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, किसका डेफिनेशन, रिलेटिव परमियाबिलिटी का. रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या बोलता है, रिलेटिव परमियाबिलिटी इज द मतलब म्यू आर पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मैटेरियल,
to the magnetic flux density inside the vacuum. B मेरा क्या है? The magnetic flux density in medium. Magnetic flux density in medium. B not क्या है? The magnetic flux density in magnetic flux density in vacuum. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम. देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अभी जो भी फॉर्मूला लिखा था, B इक्वल टू मैंने लिखा था म्यू इंटू एच, बी नॉट के हिसाब से म्यू नॉट इंटू एच, तो एच एच कैंसल आउट हो गया, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट. ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू है मेरा परमेबिलिटी और म्यू नॉट है मेरा परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस. शायद मैंने पहले क्लास में इसको गलत बोल दिया है, म्यू नॉट को परमियाबिलिटी इन द मीडियम. मैग्नेटिज्म में फर्स्ट लेक्चर में मैंने गलत बोल दिया है, लेसन वन में मैग्नेटिज्म का, इसको मैंने बोल दिया है परमियाबिलिटी इन द मीडियम. एक्चुअली म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस. परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस म्यू आर इज द रिलेटिव परमियाबिलिटी. म्यू आर इज द रिलेटिव परमियाबिलिटी और म्यू इज द परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम. परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम. आया समझ में? इसका यूनिट सेम होता है, इसके पास यूनिट्स नहीं होता है, इसके पास यूनिट्स नहीं होता है. वाह, म्यू नॉट का यूनिट और म्यू का यूनिट सेम ही होता है. म्यू नॉट का वैल्यूज होता है 4 पाई इनटू 10 टू द पावर 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. अब यहां से एक्सप्रेशन से मैं ये भी लिख सकता हूं म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर. म्यू इक्वल टू मैं म्यू नॉट इनटू म्यू आर भी लिख सकता हूं. आया मेरी बात समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है. हो गया? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं. लास्ट डेफिनेशंस क्या आता है ना? लास्ट डेफिनेशंस मेरा आता है सॉसेप्टिबिलिटी. क्या आता है? सॉसेप्टिबिलिटी. ये सॉसेप्टिबिलिटी क्या होता है? सॉसेप्टिबिलिटी का मतलब है एक प्रॉपर्टीज के तरह होता है व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. इट इज द property of the substance. It is the property of the substance which explains how easily a substance can be magnetized. How easily a substance can be magnetized? Come. Now, when placed in a magnetizing field. When placed in a magnetizing field. It is the property of the substance which explains how easily a substance can be magnetized. When placed in a magnetizing field, कितना easily वो substance magnetize हो सकता है, ये मेरा susceptibility है. और susceptibility को हम ऐसे काय पे, क्या काय पे represent करते हैं, काय पे represent करते हैं. और इसका ratio क्या है ना? Intensity of magnetizing field. It is the ratio between intensity of magnetization to the intensity of magnetizing field. दोनों same quantity है.
तो दोनों सेम क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट लेस ही आएगा, नो यूनिट किसका का आएगा, यूनिट लेस ही आएगा। अरे हाँ या ना, यूनिट लेस ही आएगा। आया समझ में यहां तक? चलो स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज दिखेंगे, एक रिलेशन दिखेंगे, परमियाबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बारे में रिलेशन मिटाता हूं इसको। लास्ट वाला चीज क्या दिखेंगे ना, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम टू द मैग्नेटिक फील्ड इन मैटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम टू द मैग्नेटिक फील्ड इन मैटेरियल, ये वाला आता है म्यू नॉट एच। अब ये वाला हमने पढ़ा है म्यू नॉट इनटू आई, वही वाला जो मैंने डिराइव किया था टोरॉइडल लेके, म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये बी का वैल्यू क्या है, म्यू इनटू एच। बी का वैल्यू क्या है, म्यू इनटू एच। टोटल कोई वैक्यूम में आएगा कोई मटेरियल के बीच में आएगा तो टोटल कितना आता है? एक सब्सटेंस को मैंने लेके कोई मीडियम पे रख लिया, उसका वैक्यूम में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, फिर कोई मटेरियल पे आ रहा है, तो दोनों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड यही आ रहा है बी नॉट प्लस बी एम। आया समझ में? आ रहे हाँ कि नहीं? तो म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, सब में एच डिवाइड कर लो, म्यू एच बाई एच, म्यू नॉट एच बाई एच प्लस म्यू नॉट आई बाई एच। एच से एच कैंसल आउट हो गया तो ये आ गया मेरा म्यू, एच से एच कैंसल आउट म्यू नॉट, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई एच, दैट इज काई। समझ में? तो यहां से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं, म्यू नॉट होल इनटू वन प्लस काई, दिस इज द रिलेशन। म्यू के जगह में म्यू नॉट इनटू म्यू आर भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट होल इनटू वन प्लस काई, म्यू नॉट कैंसल्ड आउट, म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई। तो ये हो गया मेरा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन एक ये दे देता है कि अगर मेरा ससेप्टिबिलिटी 22 है और रिलेटिव परमियाबिलिटी निकालो, क्वेश्चन यही मेरा दे रहा है जो अगर मेरा ससेप्टिबिलिटी 22 है रिलेटिव परमियाबिलिटी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखोगे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काय, दैट इज 1 प्लस 22, म्यू आर इक्वल टू क्या आएगा 23, म्यू आर इक्वल टू क्या आएगा 23। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? हो जाएगा। अगर यहां से मुझे पूछेगा कि म्यू निकालो और फिर पूछेगा मुझे म्यू निकालो, तो म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट होल इनटू 1 प्लस काय, तो म्यू नॉट के जगह 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 1 प्लस 22, इसे सॉल्व करके लिख सकते हो, यहां पे यूनिट नो यूनिट आएगा, यहां पे यूनिट आएगा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कंप्लीट? तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। आज के क्लास में इतना तक था, अगर आज के क्लास में कोई डेफिनेशन का कोई किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डाइमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जो डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में है उसको पढ़ेंगे। वाह, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।